दोस्तों प्रणाम। पिछले एपिसोड में हमने शिलाजीत के बारे में आपको बहुत कुछ बताया। आज हम आपको नई बातें बता रहे हैं। कुछ क्वेरीज आई थी कि क्या शिलाजीत का सेवन हर व्यक्ति एक ही प्रकार से कर सकता है। मैं आज आपको बताऊंगा कि शिलाजीत जब हमारे शरीर के अंदर अलग अलग बीमारी विद्यमान हो उसका सेवन किस तरह से हम कर सकते हैं। दोस्तों शिलाजीत की बहुत महिमा लिखी है और मैंने प्रैक्टिकली देखा भी है कि शिलाजीत हमारे शरीर के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। हम अपने जीवन में यदि 1 किलो शिलाजीत का सेवन कर लें नियमित रूप से, संयमित रूप से, विधि पूर्वक, नियम पूर्वक, तो हमारे शरीर में कभी कोई बीमारी हमको नहीं सताएगी। दूसरा, वह व्यक्ति कभी अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा। तीसरा, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये हमारे शरीर की चेन है। आदमी के अंदर शुक्र और स्त्रियों में रज, इसका निर्माण होता है। यह हमारे शरीर के अंदर जब शिलाजीत पहुंचती है तो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र तक इसका प्रभाव होता है। साथ ही साथ जो व्यक्ति इसको नियमित सेवन करता रहे तो शुक्र के बाद ओज का हमारे शरीर के अंदर निर्माण होने लगता है। उसका चेहरा अलग ही चमकने दमकने लगता है। यह शिलाजीत किसी भी उम्र में किसी भी कोई भी व्यक्ति इसको सेवन कर सकता है। और जिस व्यक्ति का शुक्र वीक हो, स्पर्म क्वालिटी वीक हो, उसकी मोर्टेलिटी कम हो, उसके स्पर्म काउंट बहुत कम हो, ऐसे लोगों के लिए शिलाजीत किसी वरदान से कम नहीं है। और शिलाजीत के सेवन से हमारा यूरिनरी सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है, जिसको मूत्र तंत्र आप कह सकते हैं। ऐसा कोई बीमारी नहीं है, चाहे वो शिलाजीत के सेवन से कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ रहा हो, शरीर के अंदर गर्मी बहुत रहती हो, सुस्ती बहुत रहती हो, स्पर्म क्वालिटी बहुत ज़्यादा वीक हो, रक्त विकार हो, यह पौष्टिक है। पौष्टिक के साथ साथ बल्य और आयुवर्धक है, विषनाशक है, हमारे शरीर के बॉडी के टॉक्सिन्स ये धीरे धीरे रिमूव करती है। साथ ही साथ इसका रूप अमृत का है, यह अमृत रूप धारण करके हमारे शरीर के अंदर कार्य करती है। यह बहुत पौष्टिक भी है और यह धातु और हमारी इंद्रियों को बहुत ज़्यादा बलिष्ठ करती है, बल वर्धक है, बुद्धि वर्धक है। जो व्यक्ति इसका नियमित सेवन करता हो उसकी बुद्धि का विकास होने लगता है। साथ ही साथ 20 प्रकार की हमारे शरीर के अंदर परमें होती हैं। जब परमें बिगड़ती है तब बनती है मधुमेह। हर प्रकार की परमेह और मधुमेह का ये नाश करती है। शरीर में खाज खुजली के साथ कुष्ठ हो, अपस्मार जिसको पागलपन भी कहते हैं, दौरे पड़ते हों, चाहे वो मृगी के हों, हिस्टीरिया के हों, और हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स बढ़ रहे हों, चाहे वो यूरिया क्रिएटिनिन हो, किसी भी रूप में टॉक्सिन्स बढ़ रहे हों, लीवर फंक्शन हमारे डिसएक्टिवेट हों, किडनी के फंक्शन प्रॉपर रूप से काम ना करते हों, और उन्माद की बीमारी हो जिसको पागलपन कह सकते हैं, स्लीपर यानी कि फाइलेरिया। आपने देखा होगा बहुत से लोगों का पैर मच्छर के काटने से हाथी की तरह होने लगता है, बहुत ज़्यादा फूल जाता है, जिसको हाथी पगा भी कहते हैं, स्लीपर भी कहते हैं, फाइलेरिया भी कहते हैं। और शरीर में किसी भी प्रकार के किसी भी शरीर के अंग में सूजन हो गई हो, पेट में गुल्म वायु गोला होता हो, पीलिया बार बार उसको सताता हो, साथ ही साथ विषम ज्वर हमारे शरीर के अंदर विषम ज्वर आ जाए, मलेरिया इत्यादि हमको सताने लगे, और पथरी बार बार बनती हो, पेशाब बार बार आता हो, बच्चे बहुत से पेशाब बिस्तर के अंदर ही कर दें, और महिलाओं में प्रदर की शिकायत हो, योनि से निकला हुआ कोई भी अप्राकृतिक स्राव उसको कहते हैं प्रदर। साथ ही साथ एंजाइना सूल हो और हमारे शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड बहुत बढ़ रहे हैं, उसको ये रिड्यूस करता है, हमारे लिपिड को बैलेंस करता है। आर्टरीज के अंदर कोलेस्ट्रॉल जम रहा हो उसको ये पिघाल कर हमारी आर्टरीज बिल्कुल नॉर्मल करता है। आयुर्वेद के हिसाब से 3 दोष मुख्य हैं, वात, पित्त और कफ। इनके बिगड़ने से ही हमारे शरीर के अंदर नाना प्रकार की व्याधियां उत्पन्न होती हैं। किसी व्यक्ति के अंदर वात प्रधान हो, जब 80 प्रकार के दर्द, चाहे वो गठिया हो, सियाटिका हो, सर्वाइकल हो, या पार्किंसन हो, मिनमिनाहटपन हो, पैरालाइज हो, पैरालाइज भी 4 प्रकार के होते हैं,
और किसी भी प्रकार के वात रोग में दिक्कत हो तो हम इस शिलाजीत का सेवन यदि रासना दशमूल बला जिसको खरेटी भी कहते हैं, पुनर्नवा अरणजड़ सोंठ यष्टी जिसका दूसरा नाम है मुलहटी, और इन सब को मिला करके चूर्ण तैयार करके क्वाथ बना करके हम एक बूंद दो बूंद से लेकर के 2-3 ग्राम चने के बराबर 2-3 हम गोली इसकी सेवन कर लें इस काढ़े के साथ, तो हमारे हर प्रकार के वात का शमन होने लगता है। इसी प्रकार किसी किसी के शरीर के अंदर पित्त की समस्या बहुत ज़्यादा होती है, एसिड फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो, उसकी पाचकनी बहुत ज़्यादा बढ़ रही हो, भस्मक रोग बन गया हो, ऐसे व्यक्ति मुनक्का शतावर परवल त्रायमान और गिलोय इन सब को लेकर के उनको कूट करके रख लें और 10 ग्राम के लगभग पानी में पकाकर उसका काढ़ा बना लें, छान करके उस क्वाथ के साथ हम शिलाजीत का सेवन बल के आयु के और शरीर के हिसाब से सेवन करें तो हमारा पित्त का शमन होने लगता है। इसी प्रकार कभी कभी हमारे शरीर के अंदर कफ दोष बहुत बढ़ जाता है, कफ दोष बढ़ने पर त्रिफला जिसके अंदर 3 चीजें हैं हरण बहेड़ा और आंवला, मैं हमेशा कहता हूं कि त्रिफले को हमको ताजा ही लेना चाहिए, या तो हम खुद इसको बना लें बिना गुठली का, हरण बहेड़ा आंवला लें और उनको ग्राइंड कर लें, चूर्ण इसका तैयार कर लें। इसके 3-4 नुस्खे हैं, एक नुस्खा है 1-2-4 का रेशो, एक नुस्खा है इसका 1-2-3 का रेशो, और अधिकतर वैद्य इसको सम भाग लेकर के बनाते हैं, यानी कि हरण बहेड़ा और आंवला 100-100 ग्राम ले लिया, उसको ग्राइंड करके रख लिया, इसका नाम है त्रिफला। त्रिफल हरड़ बेहड़ा आंवला चौथी नीम गिलोय पंचम मिश्री डाल ये निर्मल काया हो, ये त्रिफले का बहुत बड़ा एक अचूक फार्मूला है हमारी बॉडी के टॉक्सिन्स को रिमूव करने के लिए। हम बात कर रहे थे अब कफ की, तो इसमें हमने त्रिफला बज बिड़ंग करंज नागरमोथा और व्रत पंचमूल इन सब को मिला करके ग्राइंड करके रख लें और 2 बड़ी चम्मच 10 ग्राम के लगभग 1 गिलास पानी में इसको खूब पका लें। इस काढ़े के साथ यदि हम शिलाजीत का सेवन, जैसा मैंने पहले भी कहा, उम्र के हिसाब से आयु के हिसाब से बल के हिसाब से शरीर के हिसाब से 1-2 बूंद से 10 बूंद तक हम इसका सेवन करें तो हमारा कफ दोष धीरे धीरे बैलेंस होने लगता है। जिन लोगों को वात और पित्त दोनों सताते हों, जिसकी टेंडेंसी वात पित्त की हो, ऐसे लोग लघु पंचमूल सौंठ द्राक्षा जिसको मुनक्का भी कहते हैं गंभारी और अश्वगंधा, अश्वगंधा हमको नागौर के लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा, बाकी जो विद्यमान है हम उसको ले सकते हैं, इन सब को ग्राइंड करके 10 ग्राम पानी में खूब पका लें, पका करके छान लें और उस क्वाथ के साथ यदि हम शिलाजीत का सेवन करें तो वात पित्त की समस्या हमारी दूर होने लगती है। दूसरी समस्या होती है वात कफ की, ऐसी अवस्था में नागरमोथा कुठ बच त्रिफला काली मिर्च देवदारू बिड़ंग पंचकोल हल्दी और अतीस इन सब को लेकर के ग्राइंड करके रख लें, 2 बड़ी चम्मच हम 1 गिलास पानी में खूब पका लें, आधा रहने पर उसको छान लें, और छानने के बाद यदि हम इसकी शिलाजीत की मात्रा इसके साथ इस क्वाथ के साथ लें तो हमारा वात कफ की समस्या धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। इसी प्रकार एक समस्या आती है पित्त कफ की, जिन लोगों का पित्त और कफ बहुत बढ़ा हुआ हो, ऐसे लोग यदि पाठा परवल नीम त्रिफला कुट नागरमोथा सप्तवर्ण त्रायमाण गिलोय और अतीश इन सब को लेकर ग्राइंड करके रख लें, 2 बड़ी चम्मच हम 1 गिलास पानी में पकाकर छानकर शिलाजीत का सेवन उसके साथ करें तो पित्त कफ की समस्या धीरे 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 हमारी समाप्त हो जाती है। जिन पुरुषों को प्रमेह की बहुत समस्या हो या जिन महिलाओं को प्रदर की बहुत समस्या हो, ऐसे लोग यदि शिलाजीत का सेवन बंग भस्म यानी कि बंग जिसको कहते हैं रांगा, यूनानी में इसको कलई भी कहते हैं, कुष्ठा कलई हो या बंग भस्म हो, 1 रत्ती यानी कि 125 मिलीग्राम
एक ग्राम का आठवां भाग लेकर शिलाजीत में मिलाकर ऊपर से हम दूध पी लें तो हर प्रकार की प्रमेह और पदर इस समस्या से हमको निजात मिल जाती है। और मैं एक बात पहले भी कही, प्रमेह बिगड़ के बनती है मधुमेह, और मधुमेह में यदि हम शिलाजीत साल सारादि गणकुआत के साथ सेवन करें तो हमको हर प्रकार की मधुमेह में लाभ मिलता है। दोस्तों, ये हमने शिलाजीत के बारे में बताया और काफी बातें अभी रह गई। जो हमारी बात बताने से रह गई है उसको हम आपको अगले एपिसोड में बताते हैं। आप इस एपिसोड को देख करके अगले एपिसोड को भी जरूर देखें। मैं उम्मीद करूंगा आपकी सभी समस्याओं का निदान हो जाएगा। दोस्तों, हम अपने चैनल पर नित नई जानकारियां देते रहते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है आदर्श आयुर्वेदिक, आप उसको जरूर फॉलो करें। और हमारे दूसरे सोशल मीडिया, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी के नाम से उनको भी आप जरूर फॉलो करें और सब्सक्राइब कराएं। मैं आपको नित और नई जानकारियां देता ही रहता हूं। उसके लिए मैं आपसे कहूंगा कि आप जरूर लोगों से, अपने दोस्तों से, मित्रों से इनको फॉलो करवाएं। धन्यवाद।